लखनऊ में 7 दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा विधानसभा सत्र। विधानसभा की नियमावली में 64 साल बाद हो रहा है संशोधन। विधानसभा सत्र 14 के नोटिस पर किया जा सकता है आहूत। 14 दिन की जगह अब 7 दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा सत्र। जनप्रतिनिधियों के सवालों के जवाब सॉफ्ट कॉपी में विभागों को भेजने होंगे। नियमावली में जटिल शब्द भी हटाए जाने की प्रक्रिया जारी है। विधायक एक दिन पहले नोटिस देंगे जिससे विभाग जवाब भेज सके। भाषा की जटिलता भी दूर करने के लिए किया जा रहा है संशोधन। विधानसभा सत्र अब 14 दिन की जगह 7 दिन की नोटिस पर शुरू हो सकेगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए एक जो कार्यक्रम है उसमें संशोधन करना शुरू कर दिया है। इस वक्त विधानसभा की हम जो है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो ये संशोधन है ये 1958 की जो नियमावली है उसमें किया जा रहा है विधानसभा के संचालन को लेकर। अब इस संशोधन के तहत जो है वो कई बदलाव किए जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये किया जाएगा कि जो सदन में जटिल भाषा का प्रयोग होता है उन शब्दों को हटाया जाएगा ताकि जो नए विधायक हैं वो उसको आसानी से समझ सकें। वहीं एक दिन का पूर्व नोटिस जो माननीय लोग हैं, जो विधायक हैं, उनको देना होगा ताकि जो विभाग हैं संबंधित वो एक दिन का में उसका जवाब भेजें और डिजिटल तरीके से जो है वो जवाब भेजें। क्योंकि विधानसभा में टैबलेट वगैरह सब लगाए जा चुके हैं तो जाहिर है कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए सिर्फ विधायक खड़े हो सकेंगे, विपक्षी विधायक, और जो आंसर होंगे वो उस पर जो है वो ऑलरेडी मौजूद होंगे टैबलेट में, तो जाहिर है कि उससे समय बचेगा। और अगर कोई उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना चाहता है तो उसको लिए जो है वो सवाल वो कर सकेगा। बहरहाल ये नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं और एक ये बड़े संशोधन है। और माना ये भी जा रहा है कि जो कुछ अपशब्द हैं, जो असंसदीय शब्द हैं, उनको भी हटाने का काम इस विधानसभा की जो नियमावली में संशोधन है उसमें किया जाएगा। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, 12 समाचार, लखनऊ।